अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारा लाहौर स्पेशल इतना इंजॉय कर रहे हैं। बट ईद है तो ऐसा कैसे हो सकता था कि हम लाहौर से कराची ना आए अपने घर वालों के साथ ईद मनाने। पर जब हम कराची आ ही गए तो हमने सोचा क्यों ना दो ज़बरदस्त ईद स्पेशल एपिसोड्स आपके साथ मज़ीद शेयर करें, कराची में हमारे कुछ मेहमानों के साथ। ख्वातीनों साहब, जैसे आपको पता ही है, पाकिस्तान की लगभग 60% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि 30 साल की उम्र से कम लड़के लड़कियों पर मुश्तमिल करती है। इसी तनाजुर में हम अक्सर देखते हैं कि जो स्लाइटली ओल्डर जनरेशन है वो यंगर जनरेशन को समझती है कि यार ये अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, स्पेशली मोबाइल फ़ोन पे लग के। जब हम देखते हैं कि छोटे बहन भाई या कज़न्स या नेफ्यूज़ या नीसीज़ फ़ोन पे अपना वक्त इस्तेमाल करें तो हमें लगता है कि वो अपना वक्त ज़रूर ज़ाया ही कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो आपको बताएंगी किस तरह फ़ोन को एक पॉजिटिव वे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये बहुत सारी जो ऐप्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह से आप ना सिर्फ अपने लिए फाइनेंशियली बहुत फ़ायदा कर सकते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं हमारी यूथ के लिए जो कि आगे चलते हुए उनके लिए बड़े फ़ायदे का बायस साबित होती हैं। तो ख्वातीन हज़रात, प्लीज़ जॉइन मी इन वेलकमिंग द अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ टिकटॉक, जन्नत मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम जन्नत। वालेकुम अस्सलाम, सो गुड टू हैव यू। प्लीज़ हैव अ सीट। जन्नत, आपका कराची में चक्कर लगता रहता है? नो, दिस इज माय सेकंड विजिट। सेकंड विजिट? यस। हाउ कम? आई एम स्केर्ड ऑफ पाकिस्तानी एयरलाइंस, असल में आई एम सो स्केर्ड ऑफ देम। तो यार आप ट्रेन पे आ जा करें। ट्रेन भी आपको पता है, अल्लाह माफ करे क्या हालात हैं यार। तो आप एक काम करें, आप गाड़ी पे आ जाया करें। गाड़ी बेस्ट है लेकिन सफर बहुत लंबा है। लेकिन अब फिर मेरे ख्याल में पैदल ही आप कोशिश करें वो बहुत बेहतर है। आई वुड प्रेफर दैट। हां, बट कराची जब आप आती हैं तो हाउ डू यू, व्हाट्स द डिफरेंस, आप बिकॉज़ यू ट्रैवल सो मच अदरवाइज आल्सो, हाउ डू यू लाइक कराची? पहली बात कि टेंपरेचर का बहुत फर्क है, यहां ह्यूमिडिटी लेवल दैट्स अ लॉट फॉर मी। और मुझे सबसे अच्छा यहाँ का क्या लगता है कि आप जब यहाँ आते हैं आपको हर शहर, आप आधा फैसलाबाद ले लें आधा इस्लामाबाद ले लें, वो पूरा एक कराची में मिल रहा है। आप किसी एरिया में जा रहे हैं वो इस्लामाबाद का व्यू दे रहा है, आप कहीं जा रहे हैं वो। यार ये इस्लामाबाद वाला व्यू कहाँ से मिल रहा है, ये तो हमें नहीं मिला। मैं वहाँ डीएचए वाली साइड पे गई थी, डीएचए। अच्छा अच्छा। और वहाँ पे प्रॉपर मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा मामा ये बहुत इस्लामाबाद से यहाँ की वाइब्स मैच हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कराची ना सारी सिटीज को आप मिला लें तो कराची बनता है। अच्छा, वाओ, दैट्स सरप्राइजिंग फॉर मी टू हियर आल्सो, बिकॉज़ अक्सर लोग जब कराची आते हैं बाहर से तो वो कंप्लेन करते हैं यार यहाँ पे तो सड़कें इतनी टूटी हुई हैं, ऐसी है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में इतना वक्त लग जाता है। वैसे ही है, अब यहाँ पे आना या कहीं भी जाना हो मैं एक घंटा पहले निकलती हूँ कि नहीं हमने पहुँचना है, तो ट्रैफिक वो बहुत यहाँ की आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड सी है। हाँ। और फिर सफर इतना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्लेन में बैठ गई हूँ और मुझे अब दूसरे सिटी किसी में जा रही हूँ मैं। अच्छा, मुझे ये बताएं जन्नत, माशाल्लाह विद 22.7 million followers as of today. Yes. जब तक आप ये इंटरव्यू देखें हो सकता है कि वो बढ़ भी चुके हों, 23 पे पहुंच चुके हों, and over 4 million followers on Instagram. तो यार माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, you are probably the only Pakistani with so much reach on social media apart from इमरान खान, शायद उनके टोटल नंबर ऑफ फॉलोअर्स आपसे ज्यादा हैं। इमरान खान से I guess सेम ही है आपके इतने ऊपर थोड़े नीचे हैं, मेरे थोड़े ज्यादा होंगे। तो यार ये जो आपके पास इतनी पावर है, इतना इन्फ्लुएंस है, ये आप तो कहती होंगी मैं तो क्वीन हूँ भाई पाकिस्तान की। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो अभी देखिए सीख रही हूँ, अभी मैं लोगों को इंस्पायर कर रही हूँ, लेकिन मेरे से पहले भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मैं मुकाबला ही नहीं कर सकती और शायद कभी कर भी ना सकूँ। हाँ। तो अभी आप कह लें कि मैं ग्रूम अपने आप को कर रही हूँ और आई होप कि एक दिन लोग मुझसे वाकई में बहुत इंस्पायर होंगे और वो मुझे देख के अपने लिए सोचेंगे कि हमने भी इंडिपेंडेंट होना है, हमने किसी का मोहताज नहीं होना। मैंने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में कहा, ऐसा शायद आपको भी सुनने को मिलता हो कि जो ओल्डर जनरेशन होती है वो हमेशा यंगर जनरेशन को ये कहती है कुछ काम कर लो, कोई ढंग का काम कर लो, क्या तुम अपना वक्त बर्बाद करते रहते हो, क्या तुम हर वक्त अपने फ़ोन पे लगे रहते हो या लगी रहती हो।
तो कभी आपने ये देखा है या नोटिस किया है कि टिकटॉक की तरफ बड़ा डिसमिसिव एटीट्यूड रहता है ओल्डर जनरेशन का? ऑब्वियसली मतलब देखा कि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, हम सब सुनते रहते हैं, वो किस तरह से आप डील करती हैं उसको? दैट इज़ ट्रू. पता है मैं एक ही चीज़, जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछता है मैं ये कहती हूँ कि आप अगर देखें ना किसी भी चीज़ को, हमारी इंडस्ट्री ले लें, एजुकेशन सिस्टम ले लें, कुछ भी ले लें, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है. और ये नहीं कि सिर्फ टिकटॉक में है, बाकी भी अगर आप हर जगह देखें तो ऐसे ही है. यूट्यूब है हमारा, इंडस्ट्री में भी इस तरह है कि हर तरह के लोग होते हैं. तो क्यों ना हम जो नेगेटिविटी है उसको इग्नोर करके सिर्फ पॉजिटिव साइड को देखें. अगर आप टिकटॉक पर आते हैं, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी पर्सनैलिटी पर, कि आप टिकटॉक पे अगर आप कोई दीन की वीडियोस देख रहे हैं तो आपको वही आएंगी. अगर आप क्रिकेट पसंद करते हैं, आप रोक के देख रहे हैं, आपको वही आएंगी. तो अगर आप कोई बेहुदा वीडियो लगा के देखेंगे तो फिर आपको अपने जैसी वीडियोस ही आएंगी. तो या मानती हैं कि कुछ लोग हैं टिकटॉक पे वो बेहुदा वीडियोस? दैट्स ट्रू, हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है. और मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन्हें इग्नोर करना चाहिए और अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए. आपको क्या लगता है कि लोग किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं? और जो बात मैंने की कि 60% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 30, तो क्योंकि आप इतने सारे यंगस्टर्स को इंगेज रखती हैं, किया हुआ आपने, और टिकटॉक है भी यूथ का प्राइमरीली प्लेटफॉर्म, आपको क्या लगता है कि यूथ किस तरह का कंटेंट देखना चाहती है? हर किसी की अपनी पसंद होती है. अक्सर आप देखें कि जो लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे उसकी कोई वजह होगी, उन्हें कॉमेडी पसंद होगी. कौन नहीं फॉलो कर रहा? बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं कर रहे और कर लो मुझे फॉलो. लेकिन कुछ लोगों को कॉमेडी पसंद होती है, वो जाहिरी बात है जो हमारे टिकटॉकर्स जो कॉमेडी कंटेंट बनाते हैं वो उसको फॉलो करते हैं. मेरी ज़्यादा लिप सिंक होती है, या फिर मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, मैं कभी जापान दिखा रही होती हूँ, कभी मैं कोई और कंट्री दिखा रही होती हूँ, तो लोग वो पसंद करते हैं. तो आपकी अपनी चॉइस है, आपको जो पसंद है आप उसको फॉलो करते हैं. मुझे आपकी ये आपकी जो कहानी के बारे में मुझे पता चला, जर्नी के बारे में पता चला, मुझे बड़ी इंप्रेसिव ये बात लगी कि योर फादर इज अ पुलिसमैन. यस. और आपकी फैमिली से आपको फिर भी वो सपोर्ट रही है, जैसे आपकी मदर आज भी यहाँ पे आई, और आप पहले भी कह चुकी हैं कि जहाँ पे भी आप जाती हैं, अगर ट्रैवल कर रही हैं, किसी इवेंट पे जाती हैं, तो योर मदर इज ऑलवेज देयर. यस, शी इज विद मी. यूथ का को पेरेंट्स की तरफ से वो सपोर्ट मिलना, वो कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं है ना, तो दुनिया आपको गिरा देगी. लेकिन अगर आपके माँ बाप आपके साथ खड़े हुए हैं ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती. ये बिल्कुल सच है. और बात वही आती है कि मैंने मेरे फादर जो हैं वो पुलिस ऑफिसर हैं, और उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शंस कभी नहीं लगाई, उन्होंने एक लिमिट रखी हुई, और वो मेरी अपनी लिमिट भी है. मुझे पता है मैंने उसको कभी क्रॉस नहीं करना. अगर मैं करूँगी तो वो मेरे लिए भी गलत है और वो बाकी लोगों के लिए भी गलत होगा. तो एक ऐसे लाइन लगाई हुई है, उससे मैंने आगे कभी नहीं जाना. और मामा, शी इज़ विद मी ऑलवेज, जहाँ मर्जी हम जाएँ, चाहे मैं ट्रैवल कर रही हूँ यूनिवर्सिटी के अलावा, वरना वहाँ भी साथ होती. आई फील सेफ विद हर. मुझे उनके साथ एक रिलैक्स में रहती, मुझे टेंशन नहीं होती. तो ये लाइन क्या है? ये लाइन ये है कि आप अपने लिमिट्स में रहो, आपने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिस पे कोई आप पे उंगली उठा सके. उंगलियां तो आप पे उठती हैं फिर वो भी. तो फिर बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हाँ. हमें तो पता है ना अपने करेक्टर का. वो कहते हैं ना कि आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक आपकी रेपुटेशन होती है और एक आपका करेक्टर होता है. आप अपनी रेपुटेशन का ध्यान ना रखो, वो लोगों ने तो बकवास करनी है जो मर्जी करें. आपको अपने करेक्टर का पता होना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए, फिर आप पे कोई बात नहीं कर सकता और ना आपको कोई गिरा सकता है. आपने बड़ी बार जिक्र किया है कि एक्चुअली जो आपको मोटिवेशन मिली म्यूजिकली जब ये था, तो आपकी छोटी बहन अलिश्बा की वजह से आपको वो इंस्पिरेशन मिली और अलिश्बा ने आपको बड़ा हेल्प आउट किया. बिफोर दैट, मैं उससे भी पहले जाना चाहूँगा, व्हेन यू गाइस वर ग्रोइंग अप, तो क्या इंटरेस्ट थे? आप उस वक्त सोचती थी यार कि मैं बड़ी होके ये बनूंगी? No. या ये प्रोफेशन क्या था? I wanted to be a police officer, like my father. To be a police officer? हाँ जी, मुझे बहुत शौक था, अभी भी मुझे शौक है. मैं देखती हूँ मौका, आजकल भी ढूंढती हूँ कि कोई मुझे देखे, कोई बात करे और मैं उससे लड़ने पहुँच जाऊँ. पता नहीं मेरे अंदर ये चीज़ है कि कोई किसी के साथ कुछ बुरा कर रहा है ना, तो मुझे उसको डिफेंड करना है. इवन कि मेरी बहनें जो हैं वो कहती हैं तुम हमारी बहन ही, तुम हमारा भाई हो. जहाँ भी कोई भी बात होती है मैं सामने जाके खड़ी हो जाती हूँ, हाँ बोल, मेरे मुँह पर बोल तू. तो ये एक है, पापा से कह लें कि मैंने ये चीज़ ली हुई है कि एक गुस्सा है, एक गलत बात पे रिएक्शन देना मुझे होता है. और पुलिस ऑफिसर इसलिए क्योंकि मैं अपने पापा को देखती आई हूँ शुरू से, उनका लाइफस्टाइल देखे, उनकी अथॉरिटी देखी है, और जिस तरह से हम रहे हैं बचपन से, तो मुझे अपना लाइफस्टाइल कंटिन्यू करना था. एंड हाउ आर यू इन स्टडीज? वर यू अ गुड स्टूडेंट? आई एम अ गुड स्टूडेंट. यू स्टिल आर अ गुड स्टूडेंट? यस आई एम. आप फैशन डिजाइनिंग? Yes, I'm doing fashion designing. It's my last semester. मेरे अभी एक महीने बाद थीसिस, एंड देन आई विल बी डन. सो यू हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट सिंस चाइल्डहुड?
ये टीचर्स, ये वाकई में मैं अम्मा से ना पूछूं आप? नहीं नहीं, मम्मा से ना पूछे। मुझे बस एक चीज से उलझन होती थी, सुबह उठने से। हाँ। जो सुबह 6 बजे, मेरे ख्याल में वो अभी तक है आपकी, अभी भी है। मुझे होता है कि 6 बजे क्यों उठाते हैं, कोई थोड़ा लेट रख लें। जापान में यकीन माने, मैं वहाँ रहती हूँ जापान में, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर 1 बजे जा रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि आप अपनी नींद पूरी कर कर आओ, यहाँ पे 6 बजे मामा होती थी। स्टूडेंट्स की मर्जी से क्लासेस होती हैं वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे आपको वो प्रॉपर टाइम देते हैं। मेरे कजन्स हैं, वो छोटे छोटे हैं, वो स्कूल जब जाते हैं ना, तो अगर उनकी नींद नहीं पूरी तो उसकी जो मामा है वो कॉल कर देंगे टीचर को कि ये लेट आएगा, यहाँ पे अगर जाओ तो लेट आए क्लास से बाहर खड़ा हो जाए। और मामा वो सुबह 6 बजे दरवाज़ा, बस उठो जन्नत उठो। तो वो मुझे होता था कि ये बस गलत है, टाइम सही हो जाए ना तो ऑल गुड। तो उस वक्त सिर्फ बस पुलिस ऑफिसर बनने का एक था, बट अदर देन दैट अभी भी है, ट्रस्ट मी, अभी भी मैं नहीं, बट ये नहीं था कि यार यूजुअली होता है बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, यार यू नो डॉक्टर या lawyer, नहीं, कभी भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी पे कोई चीज़ फोर्सफुली आपको नहीं करवाना चाहिए। मतलब मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे नहीं कहा कि आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको इंजीनियर ही बनना है। आप एक तरह से अपने बच्चों के विंग्स काट देते हो जब आप उस पर ऐसी बात करते हो कि तुमने यही बनना है, उसका कुछ और इंटरेस्ट हो और आप उसे फोर्स करो, तो ये तो विंग्स काटने वाली बात हो गई ना। तो मैं जो पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी वो मेरी मर्जी थी, और वो उसके पीछे पापा थे, उनको मैं देखती आ रही थी शुरू। अच्छा, मुझे ये बताएं, मुझे पता चला है कि जब आपने पहला अपना वीडियो लगाई, उसके बाद 6 महीने तक आपने लॉग आउट कर दिया था, बिकॉज़ यू वर ट्रैवलिंग। यस। और 6 महीने बाद जब आपने देखा तो आपको पता चला कि इतने फॉलोअर्स हो गए। मैं हैरान थी, मैं जापान गई भी थी, हम 6 महीने जापान जाते हैं, और बन गया। जापान क्यों जाते हैं आप यार? मेरी फैमिली रहती है वहाँ। अच्छा। मेरे मामू, खाला, कजन सब वहाँ रहते हैं, मामी, तो उनके पास। तो 6 months you live in Japan and 6 months six here? अच्छा। उनकी तरह इमरान, कौन है वो? I live here and there as well. अच्छा अच्छा। That guy. SM Khan. SM Khan, right? तो 6 महीने यहाँ, 6 वहाँ, और वहाँ जाते हैं तो फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम गुजर जाता है। यहाँ पे अब थोड़ी सी प्राइवेसी हमारी जो है ना, वो प्राइवेट लाइफ थोड़ी सी खत्म हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैं बाहर नहीं निकल सकती घर से अब। अच्छा। वहाँ मतलब आपको हर वक्त अच्छा दिखना है, आपको अच्छे से रहना है, आपको लोग देख रहे हैं, आपको नहीं पता कब आपकी वहाँ से वीडियो बन के पोस्ट हो जाएगी और लोग उसे जो मर्जी समझें। जापान में ये होता है कि आप जब जाओ आप ऐसे ही पापा की टॉप में निकल जाओ, पापा की शर्ट में निकल जाओ, जूड़ा बांधा हुआ है, कोई नहीं देख रहा। हाँ। तो वहाँ पे एक रिलैक्सिंग टाइम गुजार के फिर मैं वापस आ जाती। तो वो 6 महीने भी आप जापान चली गई थी? यस। और फिर आपको पीछे से किसी ने नहीं बताया? किसी ने नहीं बताया मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है यार कि इतनी मैं थी नहीं ना सोशल मीडिया पे, इतना कुछ खास नहीं थी। मेरे पास फोन भी शायद हार्डली मुझे मिला होगा, सेकेंड ईयर में मिला होगा। अच्छा। और उस पर इतना कोई यूज़ भी नहीं मैं करती थी। मामा पापा, हम लोग ऐसे बच्चे हैं तीनों बहनें कि हम अभी भी, हमने कुछ लेना होता है ना तो मामा पापा से कहते हैं ये दिलवा दें हमें, हम अपना पॉकेट मनी भी नहीं लेते, और फ़ोन तो दूर की बात है। तो जो भी काम होता था मामा उसे कॉल कर दें, मामा ये कर दें। जब फ़ोन मिला है तो वैसे ही वीडियो बनाई है और बन करके हम चले गए। हाँ। जापान में हम अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं। जब वापस आके मैंने वैसे ही देखा, उस वक्त तक ज़रा टिकटॉक ना आप कह लें कि उसे लोग देखना शुरू हो गए थे, और मैंने देखा कि मेरे 600 के फॉलोअर्स हैं। आई वॉज 6 लाख हो गए थे, 6 लाख हो गए थे, सिर्फ 3-4 वीडियोज़ पहले लगी हुई थी, और जो लगा कर गई थी उस पर अच्छे खासे व्यूज़ थे, इंडिया में भी वायरल हुई हुई थी। आपको क्या लगता है भाई कि जन्नत मिर्जा में ऐसी क्या खास बात है कि जन्नत मिर्जा के 22 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए टिकटॉक? मैं सच बताऊँ, मेरे में ऐसी कोई शायद खास बात ना हो, लेकिन लोग मुझे ये बात कहते हैं कि आप इतने फॉलोअर्स होने के बावजूद, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, ये लोगों के अल्फाज हैं, आपके इतने फॉलोअर्स हैं लेकिन आप बहुत हम्बल हैं। मैं कभी भी कोई मेरे साथ पिक्चर लेने आए मैं उसे इनकार नहीं करती, कोई कहे वीडियो बनानी है आपके साथ मैं इनकार नहीं करती, वो इस चीज़ पे हैरान होते हैं। और कहते हैं ना कि आजिज़ बंदा जो होता है वो अल्लाह के करीब होता है, और शायद यही वजह है। बड़ी आपकी एक स्पिरिचुअल साइड भी है शायद, है आपने बड़ी एक बात की मुझे अच्छी लगी। तो ये माशाल्लाह जो 22 मिलियन अब आपके फॉलोअर्स हो गए हैं, अब आगे क्या एक सोच है? जैसे अब आप जब कंटेंट क्रिएट कर रही होती, मैं आपकी कुछ मेरे वीडियो, मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ टिकटॉक पे, बट मैंने देखी जब, तो जैसे आपने भी कहा ज्यादातर वीडियोस लिप सिंक हैं। तो और कुछ आपकी मैंने पिक्चर्स देखी, खाली स्टैटिक पिक्चर्स के ऊपर कुछ 2.5 लाख आपके व्यूज हैं।
सो क्या ये वजह है कि बिकॉज यू आर सो प्रिटी माशाल्लाह, इसलिए आपको बस ये लाइक और फॉलोइंग और ये सब कुछ मिल रहा है, या कंटेंट जो है वो आपका इतना स्ट्रांग है, क्या है, आपने ये सोची है बात? मुझे ऐसा लगता है कि लोग कंटेंट के अलावा मेरा कॉन्फिडेंस पसंद करते हैं, कि मुझे आज तक बहुत से लोगों ने गिराने की कोशिश की है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगी। ना यार, क्यों नहीं? आप मैंने कभी किसी से कोई क्लैश नहीं रखा, कभी किसी के बारे में कोई बात नहीं की, और आउट ऑफ नो वेयर मेरे ऊपर बात हो जाती थी। कौन करता है और क्यों करता है? I don't know क्या रीज़न है क्या नहीं, मुझे अभी तक समझ नहीं आया, लेकिन आज तक मैंने मुड़ के किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की, कुछ नहीं कहा। लेकिन ये है कि कुछ लोग हैं जो आपको कहते हैं कि इसको बैठे बिठाए फेम मिल गया। अब मुझे एक बात आपने सच बतानी है, आपके पास दो प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है? एक आपके पास टिकटॉक है, जहाँ आप अपना टैलेंट या आप अपना वीडियोज़ बना के आप फेम हासिल कर सकते हो। एक आपके पास ये कि आप धक्के खाओ, आप गिरो, फ्लॉप काम करो, ये सब करो, और फिर कुछ और हरकतें करके आपको फेम मिल रहा है। आप गधे हो जो आप चूज करोगे ये वाला काम, या आप इजी प्लेटफॉर्म चूज करोगे। तो लोगों को ये मसला होता है कि इसने स्ट्रगल नहीं किया। हमने भी स्ट्रगल किया, लेकिन हम घर बैठ के अपनी वीडियोस बना रहे थे, लोगों ने पसंद की है। 3 साल में मैं यहाँ, मैं ये तो कह रहा हूँ कि आपकी एक पिक्चर जिसमें मतलब यू लुकिंग वेरी प्रिटी, उसके ऊपर 2.5 लाख व्यूज हैं, वो कंटेंट तो नहीं फेम के साथ आया ना? कंटेंट तो मैंने बना लिया, लोग पसंद करने लग गए, फिर जाहिर बात है आप जिसको पसंद करते हो आप उसे लाइक भी करते हो। अब फॉलोवर्स तो मेरे पास है, मैं चाहे यहाँ बैठ के भी लगाऊं तो लोगों ने पसंद करना है, क्योंकि उनका मैं यहाँ बैठ के बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, पिक्चर्स बनाऊंगी, आपके साथ भी बनाऊंगी। अगर आपके साथ, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने टिकटॉक एक बनाया और आपने मेरे साथ एक टिकटॉक बना के लगाया अपने टिकटॉक पे, मुझे कितने फॉलोअर्स मिलेंगे उससे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप जब आपके साथ आपके दोस्त या जब लगाते होंगे टिकटॉक, तो उनके कितना फर्क पड़ता है? अच्छा, मुझे चीज नहीं पसंद, मैं आपको सच बताऊं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई इंसान मेरी पहचान से अपना फेम हासिल करे। इसका मतलब है कि मैं जन्नत के टिकटॉक पे नहीं जाने वाला भाई। मुझे ये होता है कि आप अपनी पहचान बनाओ, ये ना हो कि यार ये जन्नत का कजन है, यार ये जन्नत की फुप्पो है, इसलिए ने फॉलो करना है। आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए, तो आप भी बनाए आपके अपने, आपको पसंद करने वाले कौन सा काम है आप बनाएंगे, हो सकता है आपके फॉलोअर्स मुझे मिले, मेरे 23 हो जाए। लेकिन मुझे बनाना नहीं, ये आप बताएं थोड़ा, मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहता हूँ, और बहुत सारे यंगस्टर्स आपको देख रहे होंगे, और मुझे पता है फॉर अ फैक्ट बिकॉज ऑफ आर यूट्यूब प्लेटफॉर्म अ लॉट ऑफ पीपल, यंग पीपल एंड नॉट जस्ट यंग पीपल, इवन द ओल्डर जनरेशन, वो डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएट करना चाहते हैं। वो कैसे क्रिएट करें, वो सोच, वो क्या थॉट प्रोसेस है यार, कि अब सब फोन तो सबके पास है और एप्स भी सबके पास है, देख सब रहे हैं, लेकिन हर कोई क्रिएट नहीं कर पाता, तो क्रिएट करने का प्रोसेस है वो थोड़ा शेयर करें। ये इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने फ़ोन में, आपके पास फ़ोन कैमरा अच्छा होना चाहिए, आपके पास लाइट्स अच्छी होनी चाहिए। हम लोग अक्सर वीडियो बनाते हैं तो हमने दो दो रिंग लाइट लगाई होती है, क्योंकि टिकटॉक उन्हीं वीडियोज़ को आप कह लें कि फॉर यू पेज पर दिखाते हैं जहाँ पर अच्छी लाइट हो, अच्छा कैमरा हो, क्लियर रिजल्ट हो। इसके अलावा इंगेजिंग आपका कंटेंट होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जो लोग पसंद करते हैं। उसमें आप कॉमेडी दिखा सकते हो, आप कोई स्टोरी दिखा सकते हो, लेकिन टाइम ड्यूरेशन आप 15 सेकंड्स टू 30 सेकंड रखें, ऊपर करेंगे तो वो लोग नहीं पसंद करते, बोरिंग हो जाता है। आप जब कोई कंटेंट क्रिएट करी थी, जैसे आपने बहुत सारे स्किट्स, कॉमेडी स्किट्स टाइप आपने ये भी शेयर किया कंटेंट, उसकी थॉट कैसे आती है, वो खुद आपका अपना कॉन्सेप्ट होता है? हम लोग प्लान करते हैं, मेरे अगर आपने देखी होंगी कोई ऐसी कॉमेडी वीडियोस है ना, तो हम लोग, वो मैं अकेली नहीं सोचती, हो सकते हैं वो पीछे कोई और बंदा बैठ के कह रहा हो कि आपने ऐसे करना है, हम आपको यहाँ से, एक दफ़ा ना मैंने एक वीडियो बनाई थी, आई वॉज़ इन जापान, वहाँ से मैंने वीडियो भेजी, और यहाँ पे एक टिकटॉकर हैं उस्मान, उन्होंने यहाँ से वीडियो अपनी बनाई, हमने वीडियोज़ को मर्ज किया, मैं वहाँ थी वो यहाँ थे, यकीन माने उसमें 26 मिलियन व्यूज़ आए थे, वो इतनी पसंद की गई। तो एक बंदे की आप कह लें कि पीछे मेहनत नहीं होती, पीछे पूरे 3-4 लोग बैठ के सोच रहे होते हैं, यहाँ से कैमरा आएगा, डायरेक्शन देने वाले अलग होते हैं, जैसे यहाँ सेट लगा है वहाँ भी अक्सर ऐसे लगता है, फिर लोग उसे पसंद करते हैं, वरना नहीं इतना नहीं। अच्छा, तो ये जो घर पे बैठे लोग हैं उनका एक सवाल ये भी होता है कि हाउ प्रॉफिटेबल Is it to make content on TikTok and on YouTube? YouTube का तो थोड़ा बहुत मैं बता सकता हूँ, but TikTok का आप बताएं, कि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप अपनी इनकम शेयर करें, but in terms of monetary gains, financial independence, जो कि बहुत ज़रूरी है कि आजकल के लड़के लड़कियों के पास वो हो, वो किस तरह का रोल प्ले कर सकता है TikTok, और कितने कोई पैसे बन सकते हैं? अच्छा, हमारी ये बहस चलती है TikTok की ऑफिशियल टीम के साथ, अमेरिका में, UAE में, हर जगह TikTok जो है उसकी मोनेटाइजेशन ऑन है, वो पाकिस्तान में भी ऑन है ना? नहीं, पाकिस्तान में ऑन, पाकिस्तान में ऑन, यही तो हमारी बहस है।
वो कहते हैं कि अगर हम नहीं भी पे कर रहे हैं ना तो इन्होंने तो वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉक तो ऑलरेडी चल रहा है पाकिस्तान में। हाँ। हमारी ये बहस रहती है कि हमें यहाँ पे टिकटॉक की तरफ से पेमेंट आनी चाहिए, लेकिन हम अर्निंग कैसे कर रहे हैं, हमें दूसरे जो ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान के हैं या बाहर के हैं वो कहते हैं कि आप हमारे जी ये चाय पीते हुए या आप हमारे कपड़े पहन के वीडियो लगा दें, वहाँ से अर्निंग हो रही है, टिकटॉक खुद कुछ पे नहीं कर रहा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज मुझे ये लग रहा था जैसे यूट्यूब मोनेटाइज है पाकिस्तान में, टिकटॉक भी मोनेटाइज। नो इट्स नॉट। Oh, so TikTok के content की आपको कोई पैसे नहीं मिलते, हमें वहाँ से फेम मिला है, that is true. उस फेम को अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो फिर हमें campaigns आती हैं, that's हाँ जी। Oh, okay. So भाई ये लोग सुन लें, वो जो जिनको लगता है कि भाई TikTok आपको videos लगाने के पैसे देता है, TikTok से आप अपनी followers, अपनी reach बढ़ा सकते हैं, और जब आपके followers, आपकी reach बढ़ेगी तो जो endorsements आपको मिलेंगी, that is how you make money. ठीक है। अब जो बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो कि आपको एज एन इंस्पिरेशन भी आई एम श्योर देखते हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे कि वो अपना वक्त किस तरह से इन्वेस्ट करें कि यार कि उनको फ़ायदा हो? लोगों को ये भी लगता है कि ये पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते होंगे या इस तरह, बट देखें मैं अभी यूनिवर्सिटी गोइंग हूँ, मैं जाती हूँ, अपनी क्लासेस पे ले रही हूँ, हो सकता है मेरे टीचर्स यहाँ पे मुझे मैसेज कर दें ये पार्ट लगा के कि तुम आती कम हो, लेकिन हाँ मैं जाती हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि आपको अपनी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप में वो तमीज़ ही नहीं है बोलने की तो फिर आपको फेम भी नहीं मिलेगा उस तरह से। लोग आपको जाहिर ही बातें फिर क्रिटिसाइज़ करेंगे कि यार इसको तो ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, इसे क्या पता, तो अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, उसके बाद ये सब तो चलता रहता है। ठीक है। अब जैसे ये ईद का मौका है, yes. तो जब कोई इस तरह का कोई इवेंट आता है, ईद आ गई, किसी की कोई शादी आ गई, कब आप ट्रैवल कर रही, तो पहले से सोचा होता है यार कि चलो ईद आ रही है, ईद पे तो हमारी अच्छा खासा कंटेंट निकल जाएगा? अच्छा, कंटेंट तो हमारा आप कह लेंगे पूरा साल ही बनता रहता है, लेकिन ईद पे ये होता है कि लोग बहुत वेट करते हैं कि आपने क्या पहनना है, आप कैसे तैयार होंगे, तो उस पे जो आप ईद पे वीडियोस पोस्ट करते हैं उस पे नॉर्मल से ज़्यादा हमारी रीच आती है। अच्छा। तो ऑब्वियसली हम उसके बारे में सोच के रखते हैं कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोज़ बनानी है, लोग पसंद करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ टिकटॉक पे, ये तो अब इंस्टाग्राम पे हर बंदा कर रहा है, इवन कि हमारी एक्ट्रेसेस कर रही हैं, हमारे जो वेल नोन एक्टर्स वगैरह हैं वो सब बना रहे हैं, तो हम ये सोच के रखते हैं कि हमने ये पहनना है और हमने ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है, और ईद से 3-4 दिन पहले हम पहला पार्ट बना लेते हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा किस तरह के सवाल आते हैं कमेंट सेक्शन में, किस तरह का ज़्यादा आपको लोगों को क्यूरोसिटी आपसे? आप पता नहीं, लोग शादी के पीछे पड़े रहते हैं, शादी कब करेंगी, किससे करेंगी, क्या होगा। मैं कहती हूँ मुझे एक दफ़ा डिग्री लेने दो और उसके बाद देख लेंगे, जो मामा पापा कहेंगे हम कर लेंगे, ऐसे इतना मतलब आप क्यों बार बार एक ही सवाल पूछो। बल्कि मेरी बहस होती है अपने फॉलोअर्स के साथ, मैं कहती हूँ ये सवाल नहीं पूछना और जो मर्जी पूछो। बट मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जन्नत, आपने बोला कि बिकॉज यू हैव चोजन टू मेक योर पर्सनल लाइफ पब्लिक एज वेल, तो लोगों का हक है वो आपसे पूछ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ। एक दफा पूछे, दो दफा पूछे, बार बार आप एक डीएम में जा रहे हो, शादी कब करोगी, शादी कब करोगी, शादी कब करोगी। आंसर लड़के पूछते हैं या लड़कियां पूछते हैं? लड़के पूछते हैं। लड़के इसलिए पूछ रहे हैं यार कि उनका कोई नंबर लग सके अगर किसी तरह नहीं, ऐसी बात नहीं, बस ये थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है अक्सर कि सवाल। मैं आपकी ज्यादा पर्सनल लाइफ में इसीलिए नहीं जाना चाहता ऑब्वियसली, बट क्योंकि आपने बहुत हद तक अपनी पर्सनल लाइफ शेयर भी की हुई है, तो इस तरह अगर You know, होता है कि हसन लोगों को लगता है कि हमने अपनी पर्सनल लाइफ शेयर की हुई है, दैट्स नॉट ट्रू। हम जो दिखा रहे हैं लोग सिर्फ वो देख रहे हैं, लोगों को नहीं पता कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हम कुछ भी दिखा सकते हैं। तो ये चीज गलत है कि हमने अपनी पर्सनल लाइफ सामने सारी रख दी है, दैट इज नॉट ट्रू। जैसे आपके रिलेशनशिप को लेके बहुत बात होती थी, हर वक्त मैं देख रहा हूँ कि आर्टिकल्स और इतने सारी चीजें लिखी गई, पोस्ट हुए इंस्टाग्राम पे, हो गया, फिर ब्रेकअप हुआ, फिर उसके ऊपर आए, फिर ब्रेकअप के बाद आपसे पूछा गया कि भाई हेलो क्या हुआ, क्यों हुआ। मैंने देखा एक बंदे ने आपसे वाकई में ये सवाल पूछा आपके मुंह पे कि क्यों हुआ ब्रेकअप, तो आई थिंक इट वाज क्वाइट इम्पोलाइट। अगर हुआ भी है तो पर्सनल मैटर, आप पब्लिक। अच्छा, मैं यहाँ पे यही बात करूँगी कि आपकी अपनी चॉइस होती है, आप अगर किसी के साथ नहीं चल सकते तो आप उसको अच्छे तरीके से ख़त्म कर दो, ज़रूरी नहीं कि आपने उसका बहुत बड़ा ड्रामा बनाना है। और अब अगर आप ये सवाल किसी से पूछ रहे हो तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसे आंसर दिया था कि हाँ जी हम बस नहीं साथ चल सकते थे, तो आई एंडेड इट, इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हुए क्या अब ज़्यादा आप कॉशियस होंगी, अगर आपका कोई रिलेशनशिप इंशाल्लाह फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ होती है तो अब आप बोलेंगी कि नहीं यार आई'ड लाइक टू कीप इट प्राइवेट, या वुड यू स्टिल do the same thing के यार आप public
स्पेस में उसका इजहार करेंगी? होपफुली अरेंज मैरिज होगी और जब शादी होगी, निकाह होगा, तभी पिक्चर सामने आएंगी, वरना उससे पहले नहीं। अच्छा, ये आपने एकदम बड़ी बात हो रही थी, एकदम आपने बड़े ये इंटरेस्टिंग आपने कहा कि होपफुली अरेंज मैरिज होगी, यानी कि ये फैसला हो चुका है कि अब अरेंज मैरिज ही होगी। अरेंज मैरिज ही होगी, मामा पापा से बेहतर तो कोई आपके लिए नहीं देख सकता। और वैसे भी पहले मैं ये कहती थी कि यार उसकी आंखें ऐसी होनी चाहिए, उसकी हाइट ऐसी होनी चाहिए, ऐसा वो दिखना चाहिए। अब मैं कहती हूँ कि लॉयल हो, सिंसियर हो और केयरिंग हो, दैट्स इट। और वो माँ बाप से बेहतर कोई नहीं ढूंढ सकता है। ये चेंज क्यों आया आपकी थॉट प्रोसेस में? मुझे ऐसा लगता है कि आपने अगर शादी करनी है तो आपका पार्टनर जो है वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और आपके लिए वो केयरिंग एटीट्यूड रखता हो। ये नहीं कि वो अपने लुक्स के उसमें गरूर में आके आपके साथ मिसबिहेव करे या फिर आपको बुरी तरह से ट्रीट करे या डिसरिस्पेक्ट करे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो इंसान दिल का अच्छा हो उससे करनी चाहिए, ये लुक्स वालों लुक्स के पीछे जाके आप फंसते ही हो। तो एक सेकंड के लिए मेरा बड़ा वो हो गया, मैं मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी ये बात सुन के। आई थिंक इट अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन टू बी ड्रॉन हियर के लोग देखते हैं यंग लड़के लड़कियां लुक से बड़ा वो स्मिटन हो जाते हैं और वो कहते हैं यार कि जो जाहिरी पर्सनालिटी है, जो अपीयरेंस है, वो अगर अच्छा हो तो बस दैट इज व्हाट मैटर्स। सीरत देखनी चाहिए आपको इंसान की। आप अपीयरेंस के ऊपर शादी नहीं कर सकते। आपको मुझे ऐसा लगता है कि टाइम लगता है अगले बंदे का नेचर समझने में, और एक इंसान का आप कह लें कि पर्सनैलिटी नेचर तभी सामने आती है जब वो गुस्से में होता है। अच्छा, और अगर गुस्से में कोई आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है तो उसका ये मतलब है कि वो उसकी असल पर्सनैलिटी है, उससे पहले वो प्रिटेंड कर रहा है। तो लेकिन जन्नत, अब एक जो प्रॉब्लम हो गई है कि क्योंकि आपने कह दिया कि अब अरेंज मैरिज होगी, तो वो जो DM में सारे पूछ रहे हैं कि शादी शादी कब है कब है, और जो बेचारे होप में थे कि शायद कोई उनका कोई कुछ हो सके बन सके, अब वो क्या करेंगे सब? मुझे नहीं पता क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। देखिए मेरी शादी की पिक्चर्स लाइक कीजिएगा प्लीज। आप सब लोग के लिए जन्नत ने पैगाम दे दिया। जो उम्मीदवार थे जिनको ऐसा लगता था कि शायद उनको मौका मिल सके जन्नत से शादी करने का, जन्नत ने आपको पैगाम दे दिया है कि जब अरेंज मैरिज के बाद जन्नत की शादी की मंगनी आप तो आपने कहा डायरेक्ट निकाह, आप डायरेक्ट निकाह की जब तस्वीरें आएंगी तब आप उनको लाइक कीजिएगा। जन्नत यहीं पे है, बहुत मजा आ रहा है उनसे गुफ्तगू करके। वक्त हुआ चाहता है एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू का आगाज करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ रियली शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, जन्नत इज स्टिल हियर। आज हम उनको कहीं नहीं जाने देंगे, सारे सवाल उनसे पूछेंगे। जन्नत मुझे ये बताएं, आपने एक अपने इंटरव्यू में ये कहा कि ये जो ड्रामा इंडस्ट्री वाले इन्हें कोई प्रॉब्लम है मेरे से, क्या प्रॉब्लम है ड्रामा इंडस्ट्री वालों को? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा ड्रामा इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं, गिनती के एक दो, उन्हें भी प्रॉब्लम पता है होगी नहीं होगी, आई डोंट नो, लेकिन यू सेड इट। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी कि आई वॉज शॉक्ड कि आई डोंट इवन नो देम, मैं मिली नहीं हूँ कभी, और कैसे कोई आपके बारे में से बात। या बुशरा अंसारी की बात कर रही है, एमन खान की बात कर रही है, किसकी बात कर रही है? I don't wanna name them, लेकिन ये कि अब सबसे अच्छे हालात हैं, सबसे अच्छे ताल्लुक। I met बुशरा अंसारी अभी दो दिन पहले। अच्छा, मैं आपकी फाइनली हुई मुलाकात? Yes, 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 and we hugged. हमारी बात हुई, उन्होंने हग किया मुझे, then did she remember you? You yes, remembered of course. Her? मैंने उन्हें सलाम किया, she went. उसके बाद दोबारा आई, उन्होंने कहा यू आर जन्नत राइट? मैंने कहा जी। ओ आई एम सॉरी, जो भी हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग, मैंने आई हग्ड हर। मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं तो भूली बैठी थी, मुझे पता भी नहीं था। शी इज सच अ नाइस लेडी, और जैसे उन्होंने बात संभाली वो उनका बड़ापन है, मैं ये कहूँगी। भाई बुशरा जी और जन्नत दोनों के लिए तालियां यार, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे बड़े हमारे छोटों को वो प्यार दें, हमारे छोटे बड़ों को वो इज्जत दें, इससे क्या अच्छी बात हो सकती है? बट मैंने देखा कि अगर ड्रामा इंडस्ट्री से कोई आपके बारे में कभी कॉमेंट कर देता है, जैसे एमन ने कहा कि यार जन्नत को मशवरा दूंगी कि मेकअप थोड़ा कम करें, आपने भी बड़ा एग्रेसिवली आगे से जवाब दिया, आपने भी इग्नोर नहीं किया। मैंने जवाब नहीं दिया। अरे दिया आपने? अरे नहीं, वो वीडियो तो मैंने बहुत पहले की बनाई हुई थी। मैंने अपने फैंस को ये कहा कि ये वीडियो को अगर आप रिलेट करें दैट इज रॉन्ग, ये वीडियो मैंने 6 महीने पहले की बनाई हुई थी। अच्छा, पोस्टिंग का टाइम ऐसा हुआ कि वो आपस में रिलेट हो। तो अब आपने बड़ा स्पेसिफिकली लिखा कि जो लोग खुद इतना मेकअप करते हैं, सर्जरीज कराते हैं, वो मशवरा देते हैं। मैंने वो साउंड ऐसा था कि उस पर यही बन रहा था उस वक्त जो ट्रेंडिंग पे था,
था, बट किसी को वो मैंने किसी की तरफ इशारा नहीं किया। यार इतनी मासूम तो नहीं हो सकती जन्नत आप, या मैं बहुत मासूम हूँ। नहीं इतनी तो बहुत मासूम हूँ, इतनी तो आप नहीं हो सकती। बट आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ड्रामा इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो टिकटॉक पर... मैं बताती हूँ, इसमें उनका कोई उन्होंने बुराई में नहीं कहा होगा, मशवरा दिया ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक तरीकेकार होता है कहने का, एक रिस्पेक्ट के साथ आप अगले बंदे को कहते हो। मैं तो इमरान खान की बात नहीं कर रही, मैं बुशरा जी की बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं, वो बड़ी है, बड़े कह सकते हैं, मेरे माँ बाप मुझे पता नहीं क्या क्या नहीं कह लेते, लेकिन एक बंदे को सोशल मीडिया पे आके अगर आप जाहिल वर्ड कह रहे हो या कुछ ऐसा करो, दैट इज सो रॉन्ग। आप अपने बच्चों को भी ऐसे नहीं कह सकते, ये गलत है। वहाँ भी बस मुझे थोड़ा सा हुआ था कि ये ऐसे क्यों है, बट अब सब ठीक है, अब ये बातों का कोई मतलब नहीं है। सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि हमारे हम ये भी देखते हैं कि जो फैशन इंडस्ट्री है और ड्रामा इंडस्ट्री है उनकी भी आपस में चलती रहती है कोई तकरार, अब फिर ऑब्वियसली टिकटॉक या सोशल मीडिया, मैं तो उसको एक इंडस्ट्री कहूंगा भाई, 22 मिलियन आपके फॉलोअर्स हैं, बहुत बड़ा नंबर है एक, तो एक जो डेवलपिंग इंडस्ट्री लेट्स पुट इट दैट वे वो है, उनके भी अपने स्टार्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो के जो सोशल मीडिया के स्टार्स हैं उनको बड़ा फॉलो करते हैं, उनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, उनसे बड़ी इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो फड्डे हैं आपस के हो ही जाते हैं। ठीक है, हसन हमारी तरफ से कभी कोई ऐसा, आप अगर देख लें कभी किसी टिकटॉकर ने किसी के बारे में कोई बुरी बात नहीं की, आपस में ही लड़ते हैं बस हम लोग, आपस में लड़ लेते हैं लेकिन हम कभी भी किसी दूसरे के काम पे या उसके करेक्टर पे उंगली नहीं उठाते, हमारी आदत नहीं है। हम अगर आप टिकटॉक में देखें वहाँ पे सारे यंगस्टर्स हैं, छोटे छोटे लड़के लड़कियाँ हैं, मैक्सिमम 22-23 साल के होंगे, वही आजकल चल रहे हैं। और मैं मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिशन आ जाता है, हर जगह आ जाता है, हमारे टिकटॉक में भी फॉलोवर्स में कॉम्पिटिशन अक्सर आ जाता है, तो जाहिर बात है कुछ ऐसा काम है जो अब हमें मिल रहा है और वहाँ शायद ना जा रहा हो, या शायद रीच हमारी बहुत ज़्यादा आ रही है, कपड़ों की वही एक्टर्स एक्ट्रेसेस भी कर रही होती हैं। हाँ, और रीच शायद हमारे पास बहुत ज़्यादा है, हमारे सोशल अकाउंट्स बहुत एक्टिव हैं, अगर हमारे फॉलोवर्स 4 मिलियन है तो हमारे पास लाइक्स भी 200 के 300 के ऐसे आ रहे हैं, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि किसी के फॉलोवर्स मिलियंस में है लेकिन उनको रीच इतनी नहीं आ रही, तो जाहिरी बात है ये थोड़ा सा इशू आ जाता है, लेकिन हम तो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपको लगता है कि ड्रामा इंडस्ट्री की जो एक्ट्रेसेस हैं दे फील थ्रेटन्ड बाय यू? दे शुडंट, अगर ऐसा है भी तो होना नहीं चाहिए। सॉरी, थ्रेटन्ड इसलिए कह रहा हूं बिकॉज ऑफ द रीच, सो फाइनेंशियली आई थिंक सो, हो सकता है ये, दैट इज ट्रू एट सम एक्सटेंट, लेकिन मुझे नहीं पता कि लोग मुझे पसंद करते हैं, और अगर ब्रांड्स मेरे पास आ रहे हैं तो मैं उन्हें ये नहीं कह सकती कि मेरे पास ना हो, मुझे तो काम आ रहा है मैं तो करूँगी। मैं ये नहीं कह सकती कि मुझसे ना करवाओ, आप ड्रामा इंडस्ट्री में जाके किसी से करवा लो, और हो सकता है अनकरीब मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनी भी हूँ। हाँ, ये सच आपने है। फिल्म की भी है, बाजी फिल्म की है, लेकिन मैं ड्रामास में शायद इन होने वाली हूँ, तो मैं शायद होने वाली है, होने वाली है, ये बताएं आप, होने वाली हूँ। अच्छा, यस, फ्लोर पे चला गया आपका ड्रामा? आप समझ लें कि कुछ स्क्रिप्ट्स मेरे हाथों में इस वक्त पड़े हुए हैं। अच्छा, और आई एम प्लानिंग टू डू देम। अरे वाह, ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी नहीं रुक जाए, होगी भाई बहुत जल्द आप जन्नत को देखेंगे ड्रामास में। बट जन्नत ये तो बड़ा फिर आपने एक इंटरेस्टिंग बात छेड़ दी, हमारे ड्रामों में जिस तरह के किरदार लिखे जाते हैं अक्सर खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए, क्योंकि हम तो ड्रामे रिव्यू भी करते हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो वो तो बड़े रिग्रेसिव होते हैं इन मोस्ट केसेस। आपको जिस तरह की स्क्रिप्ट आ रही है या जिस तरह का कैरेक्टर आप करना चाहती हैं, वो क्या थॉट है, क्या विजन है? मैं, मेरा एक शौक है कि जब मैं फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री में डेब्यू करूं तो मैं जो गीत का कैरेक्टर है जब वी मेट में, उस तरह का कैरेक्टर करूं, या जो हानिया का कैरेक्टर था रूमी जिसमें वो बनी हुई है, मुझे ड्रामे का नाम, मेरे हमसफर नहीं कोई और था, इश्किया उसमें, उस तरह का कैरेक्टर हो, जरा फंकी सा मजेदार सा, वहाँ से डेब्यू करूँ। देन आगे आपको पता है कि आप जब ड्रामा इंडस्ट्री में आ जाओ तो फिर आप अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स ही ढूंढते हो, रोल्स ही ढूंढते हो, जहाँ से अच्छा स्क्रिप्ट लाइन होगा, स्टोरी लाइन होगा, बाकी कास्ट अच्छी है, मैं उस पर जरूर काम करूँ। तो जो आपको स्क्रिप्ट मिल रहे हैं वो किस तरह के मिल रहे हैं? अच्छे हैं, अभी इंटरेस्टिंग है आप कह लें अगर इंटरेस्टिंग और अच्छे होते तो आप साइन कर चुकी होती जन्नत। मैं बस सोच ही रही हूँ। एक मसला होता है मेरा, मुझे कराची रहना पड़ेगा 6 महीने। हाँ, ये तो रहना और पड़ेगा। मैं तो रह लूँ, मुझे इतना इशू नहीं होगा, लेकिन मेरी मदर मेरे साथ होती हैं। हाँ। और वहाँ घर पे पापा भी हैं, बहनें हैं, तो वो बस थोड़ा सा होता है। सेकेंडली हसन, मुझे इस फील्ड में आने की ज़रूरत नहीं है, मेरा शौक है। ये चीज़ अगर आप समझें कि कुछ लोग अर्निंग की नीयत से आते हैं कि हमें कमाना है। मेरे फादर क्योंकि पुलिस ऑफिसर हैं, दादा वो अकाउंटेंट थे वहाँ पे सांगला हिल में, तो मुझे शुरू से ये चीज़
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मिली है। मेरा शौक है ड्रामा इंडस्ट्री में आने में, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे दिल करता है कि मैं एक्टिंग करूँ, मैं भी कोई ऐसा रोल करूँ जो लोग पसंद करें, जिससे लोगों को अच्छा फील हो, मैं उन्हें बेहतर फील करा सकूँ। Were you happy with your debut film बाजरे दी राखी? जिस तरह का आपको प्लेटफॉर्म मिला, जिस तरह की फिल्म मिली, जिस तरह की टीम मिली, जिस तरह का उस फिल्म की रिलीज थी, क्या आप खुश थी उससे? आई वॉज हैप्पी, शूट हुआ बहुत अच्छे से हुआ, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, बट थोड़ा सा इशू आया प्रोमोशनल जो काम होता है जब आप फिल्म को प्रमोट करते हो, वहाँ पर थोड़ा सा इशू आ रहा था। जो मेरे साथ टीम थी उन्हें शायद प्रमोट करना नहीं आ रहा था, बाकी सब बहुत बेहतर तरीके से। आपसे ज्यादा कौन प्रमोट कर सकता है? बस मेरे पास मुझे कंटेंट नहीं मिला था, डाटा नहीं मिला था, वरना मैं बहुत बेहतर तरीके से प्रमोट करती हूँ। तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू था, बाकी नूर अंकल ही इज़ अ वंडरफुल मैन, बहुत अच्छे हैं, ही इज़ लाइक अ फादर टू मी, जो सच्ची बात है, और वो मुझे अपनी बेटी कहते हैं। और जैसे उन्होंने मूवी के लिए कन्विंस किया मेरे मामा पापा को, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। बट जन्नत, आपको नहीं लगता कि माशाल्लाह विद over almost 23 million followers on TikTok and over 4 million followers on Instagram, आप अपने वो followers का एक बहुत छोटा सा fraction भी pull नहीं कर सकीं big screen के ऊपर? I don't think so. क्योंकि as in what do you mean by that? है? What do you mean by that? जो box office के ऊपर जो आप उसका film का business था, obviously जो लोग जाते हैं film देखने। मेरे पास जितने भी थे ना, I was on the lead, I was doing the lead role, लेकिन जब film सामने आई तो थोड़ा सा कह लें कि मैं डिसअपॉइंट हुई थी कि मैं लीड पे थी लेकिन कुछ और लोग भी लीड पे थे। वहाँ से हुआ था, लेकिन नहीं अभी अभी तो स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह आई विल डू मूवीज, डिफरेंट मूवीज, आई विल डू ड्रामास, यू विल गाइस सी मी। ऐसा हुआ है कि आपकी कोई प्रोडक्शन हाउस से मुलाकात हो, आपने ऑडिशन किया हो? ऑडिशन मैंने आज तक नहीं किया, लेकिन मेरी बात चली थी नीना काशिफ है, उनसे मेरी अच्छी बात थी, और देन महेश से मेरी एक दफ़ा बात हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जापान में होती हूँ। अच्छा। I was offered परिजाद and हम कहाँ के सच्चे हैं। Really? मैं जापान में थी तो मैं कर नहीं सकी। हम कहाँ के सच्चे थे, मैं कौन सा वाला किरदार आपको? It was Kubra's character. अच्छा। Yeah. Interesting. And in परिजाद it was I guess Ushna's character. अच्छा। हाँ जी, तो मैं जापान में थी और वो कह रहे थे कि आपको आना होगा, आप एक दफ़ा ऑडिशन दे लें, हम इसको बस डन करना चाह रहे हैं। और मुझे अभी भी ये पछतावा है कि काश मैं पाकिस्तान में होती, क्योंकि वो मैं मुझे नहीं लगता मैं उनसे बेहतर कर सकती थी, ये बिल्कुल सच है। वो बहुत अरसे से इस चीज़ में काम कर रहे हैं, बट मैं ट्राई करती तो हो सकता है कि लोगों को मेरा काम भी पसंद आता, क्योंकि बाकी में हम कहाँ के सच्चे थे मैं कुबरा ने देयर इज नो डाउट बहुत जबरदस्त काम किया, चाह के भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती, और वो ड्रामा भी बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने वो इवन की परिजाद, इट वाज अमेजिंग, परिजाद भी बहुत अच्छा था। अगर मुझे बड़ा ये इंटरेस्टिंग बात लगी कि हम कहाँ के सच्चे थे मैं मायरा के साथ अगर आपको कास्ट किया जाता तो ये एक बड़ा बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए, उनके लिए भी बड़ी एक मोमेंट होती। चले कोई नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको देखेंगे। जब एक्टर्स के साथ आपकी मुलाकात होती है इवेंट्स पे, जैसे अभी आपने बताया बुशरा जी से आपकी मुलाकात हुई, दूसरे एक्टर से मुलाकात होती है, क्या रिएक्शन होता है, क्या सलाम दुआ होती है, हेलो हाय होती है? अभी दो दिन पहले मैं एक इवेंट पे गई थी, वहाँ सब आए हुए थे और मुझे ऐसा लगता था कि नहीं पता नहीं वो कैसे मुझे मेरे साथ बिहेव करेंगे, क्योंकि ज़ाहरी बात है टिकटॉक पे एक होता है क्लैश है एक छोटा सा, लेकिन ट्रस्ट मी हसन, उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, उन्होंने मुझे पर्सनली ऐसे आमने सामने कि यू आर डूइंग अमेजिंग, हम आपके काम को एडमायर करते हैं, आई वॉज शॉक्ड कि हर जो एक्टर हैं वो मुझे आके ये बात करें मेरे मुंह पे, दैट वाज सो ह्यूज थिंग फॉर मी, आई वाज सो हैप्पी, उन एक्टर्स के लिए तालियां यार जो इनकरेज कर रहे हैं ऐसे, बल्कि फेस टू फेस आप आके कह रहे हो, मतलब मैंने ये माइंडसेट बनाया हुआ था कि मैं जाऊंगी, और एक होता है ना कि आपको वो फील करवाते हैं कि आप हमारा हिस्सा नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन जब मैं वहाँ गई हूँ उन्होंने ऐसे जैसे एक फैमिली आपको मिल जाए, और बहुत अच्छे से, आई एम सो हैप्पी, सो स्वीट। अच्छा, एक जमाने में वकार जक्का और उनके अलावा और भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़ों ने बड़े बात की, और अगेन वही वाली बात है कि बड़ा डिसमिसिव एटीट्यूड टुवर्ड्स टिकटॉकर्स। आप माशाल्लाह बिकॉज यू आर द क्वीन ऑफ टिकटॉक विद ऑलमोस्ट, बार बार मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 23 मिलियन, मैंने करा के छोड़ने हैं आपके, हो जाएंगे अभी, हो जाएंगे 23 मिलियन फॉलोअर्स। What role can you play कि आप जो TikTok का इमेज है वो बेहतर बनाएं, ताकि लोगों को पता लगे यार कि ये TikTok भाई बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर, अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, एंड पीपल लाइक यू हु बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थ्रू TikTok? हसन देखें, अगर TikTok पे अब देखें ना अगर आप, तो वहाँ पे हमारे सारे न्यूज़ चैनल्स आ गए हैं ऑफिशियली, हमारी सारी एक्ट्रेसेस आ गई हैं ऑफिशियली अपने अकाउंट से, वो वीडियोज़ बना रही हैं, TikTok बना रही हैं,
तो और ऐसी बाकी सब भी हैं। तो आपने मुझसे बात की कि कुछ यूट्यूबर्स ऐसे थे जिन्होंने आपके खिलाफ आपको रोस्ट किया या ट्रोल किया। वो बात ये होती है कि जब आपके पास फेम हो ना तो आपको गिराने वाले भी बहुत लोग होते हैं और अक्सर लोग आपका नाम लेके लाइमलाइट में भी आना चाहते हैं। लेकिन ये कि मैं यहाँ ये बात बताती चलूँ कि आज तक मेरे खिलाफ़ जिसने भी वीडियो बनाई है उससे मेरी अब अच्छी बातचीत है और आई रिस्पेक्ट देम, दे रिस्पेक्ट मी। और ऐसा मुझे लगता है कि अगर आप टिकटॉक पे एक अच्छी इमेज दिखाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ नेगेटिव साइड को साइड पे कर दें, वो तो हर जगह आपको मिलेंगे। यहाँ सेट पे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो नहीं अच्छे होंगे, जो नेगेटिविटी आपको पता है वो उनकी एनर्जी होगी है, आप उसे इग्नोर करके क्यों ना सिर्फ पॉजिटिव साइड को देखो। आप क्यों इंडस्ट्री की बात की जाए तो वहाँ पे भी हर तरह के लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन अच्छे लोग भी हैं बुरे भी हैं। वहाँ पे तो ये बात नहीं होती कि ये भी तो देखो खराब काम कर रहा है, तो आप क्यों ना जो बुरी चीज़ें उन्हें साइड पे रख के सिर्फ अच्छाई को देखें। जन्नत, आपको लगता है कि लोग जन्नत मिर्ज़ा का नाम लेते हैं मशहूर होने के लिए, कि कोई भी आपका नाम लेके कुछ बोल देंगे और वो मशहूर हो जाएंगे, ऐसा करते हैं जानबूझ के? वो हो सकता है ऐसे करते हो, मैं यहाँ फिर से नाम नहीं लूंगी, लेकिन नाम क्यों नहीं आप ले ना नाम? नहीं ले सकती नाम, क्यों? बस लेने को मैं ले लूँ नाम, लेकिन फिर आगे से मसले होते हैं। छोड़ें, आप नाम लेते हैं लोग, दैट इज़ ट्रू, और लाइम लाइट में आने के लिए लेते होंगे नाम, क्योंकि हमारे ऐसी ऑडियंस हमारी है कि वो बहुत एक्टिव है, हमारे फॉलोवर्स बहुत एक्टिव हैं। तो अक्सर ऐसा होता था कि मुझे मैसेजेस आते थे कि क्या हम आपके ऊपर वीडियो बना लें, ट्रस्ट मी, मुझे खुद व्हाट्सएप पे कहते थे हम आपके ऊपर वीडियो बना लें, आपको रोस्ट कर लें। मैं कहती थी तुम मुझसे ही पूछ रहे हो, और मैं आपका जवाब क्या होता था? मैं कहती थी नो और वो नहीं बनाते थे, नहीं बनाते थे। जिन्होंने बनाई है उनसे फिर कुछ बातचीत की, मेरी टीम ने बात की, मेरे कुछ रिलेटिव्स थे जो उनको जानते थे, और फिर आपको पता ही है जो बात सॉल्व हो गई थी, मसला सॉल्व हो गया था। आपकी टीम है बकायदा? अब है, पहले नहीं थी, अब है। कितने लोगों की टीम है? हर शहर में दो दो हैं, बड़े शहरों में दो दो लोग हैं। What do they do? कभी कहीं जाना हो या शूट्स करने हो तो वो सारा अरेंज कर लेते हैं। अच्छा। सारा देख लेते हैं, आउटफिट देख लेते हैं, मेकअप एंड देन आप कैसे ट्रांसपोर्ट आपका सारा, वो सब देख लेते हैं। एक्सीलेंट पहले यार। हाँ जी, अब जरूरत है। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, अब हमारा एक सेगमेंट है, इसका नाम है डेंजर डेक। नाम का डेंजर है, सब ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं डेंजर का सुन के कि पता नहीं क्या होगा इसमें से, कोई बम निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाम का डेंजर डेक है, बेसिकली रैपिड फायर एक सेगमेंट है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपने फटाफट जवाब देने, और ऑनेस्ट तो आप हैं मुझे अंदाजा हो गया, तो आप ऑनेस्टी के साथ जवाब देंगी। किस टिकटॉकर से आप खुद बड़ी इंप्रेस्ड हैं, अपनी बहन को छोड़ के? पाकिस्तानी, वेयर एवर इन द वर्ल्ड। आई लाइक चार्ली, अमेरिकन है, और वो मोस्ट फॉलोड अभी थी, अब खैबी आगे, ठीक है, लेकिन वो मुझे पसंद है। और पाकिस्तान में अपना नाम ले सकती हूँ? कमल आफ्ताब। कमल आफ्ताब, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्री में किसके साथ काम करने से पहले आप 100 बार सोचेंगी कि भाई इनसे तो मैं दूर ही रहना है? ले ले ले, 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 ले नाम ले लें। खान सिस्टर्स, मे बी। खान सिस्टर्स, ओके। और इसकी क्या वजह? I don't know, मुझे तो कोई मसला नहीं है, उधर से मसला ना हो बस। अच्छा, ठीक है। एमन और मिनाल खान की बात हो? नहीं, खान सिस्टर वो कोई और है। है? कोई और है वो। कोई और कौन है? वो छोड़ें आप, लोग समझ जाएंगे। कौन और कौन खान सिस्टर है बस। अच्छा, हाँ जी। एमन और मिनाल खान की बात नहीं करनी है? पक्की बात है? पक्की बात है यार। हसन नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है। इंडस्ट्री में किस हीरो के साथ आप काम करना चाहेंगी? शहरयार मुनव्वर। अच्छा, टिकटॉकर्स की कोई ऐसी 3 गलतियां बताएं जो वो टिकटॉक बनाते हुए करते हैं जिसका उनको ख्याल रखना चाहिए। कुछ लोग ट्रेन के सामने जाके वीडियो बना रहे होते हैं। किसके सामने? ट्रेन के सामने। ओ, हाँ। और वो इंडिया में ऐसा हुआ था कि एक बंदे की डेथ हो गई थी ट्रेन के, तो ऐसी जगह पे जाके वीडियोस ना बनाएं जो सेफ नहीं है, पहली बात। दूसरी ये कि आपको अगर लग रहा है ना कि आप कोई गलत हरकत करोगे और लोग पसंद करेंगे, तो जो अगर आपको कोई देख भी रहा है तो वो आपको गालियाँ ही देगा, वो पसंद नहीं करेगा, तो ये गलत हरकतें, बेहुदा हरकतें ना करें। और थर्डली मैं ये कहूँगी कि कॉम्पिटिशन टिकटॉकर्स में नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे बाकी जगह पे हम एक साथ रहना चाहिए, तो एक दूसरे से जेलसी फैक्टर खत्म करते हैं। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि आपके लिए कहना तो आसान है, आपके 23 मिलियन फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक हैं, तो आप तो ये कह सकती हैं, बट जाहिर है बाकी तो फील करेंगे ना कम्पेटिटिव, आपके तो सबसे ज्यादा है। नहीं, क्यों करना है फील, आप ये हसद करना बुरी बात है। ठीक है,
कंपटीशन हेल्दी वे में हो तो ठीक है, हेल्दी वे में हो, लेकिन आप किसी के खिलाफ फहमी फजूल बात ना। ठीक है, इन एक्टर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? एमन खान, बी काइंड टू एवरीवन। सुनीता मार्शल, डू मोर ड्रामास। किंजा हाशमी, यू शुड वर्क इन मूवीज टू। आयजा खान, यू आर द बेस्ट, आई लव हर, कीप डूइंग योर वर्क, कीप इट अप। ज़ारा नूर अब्बास, ज़ारा नूर अब्बास, कहाँ चली गई आप वापिस आई ड्रामास में? यार मैं इस एक सेकंड पॉज लेके तालियां बजाना चाहूंगा। ये जन्नत ने बहुत अच्छे जवाब दिए, आप बिल्कुल शायद नहीं की और आपने बड़े दिल से जवाब दिया, आई रियली अप्रिशिएट इट। आपकी जिंदगी का सबसे यादगार और खूबसूरत लम्हा क्या था? जब मैं उमरा करने गई थी। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शोहर की ऐसी तीन बातें जो आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी? करेंगी, सिर्फ तीन बातें? तीन बता दें चलें। तीन ही बताती हूँ। एक तो कभी भी अपने पार्टनर को धोखा नहीं देना, चीट नहीं करना। सेकेंडली, कभी भी उसको एब्यूज़ नहीं करना, अपने पार्टनर को उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। तीसरा, एक लड़की अपना घर छोड़ के आपके घर आपके साथ रहने आती है तो आप उल्टा उस पर उसको उससे बदतमीजी करते हो या कहते हो कि इस घर में ऐसे रहना वैसे रहना। एक बंदा अपना घर छोड़ के आपकी खातिर आ रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करें। अच्छा, मैं एक सेकंड के लिए थोड़ा सा इस पर और इलेबोरेट करना चाहूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने दो तीन बार जन्नत इस बात का जिक्र किया है कि ख्वातीन जब रिलेशनशिप में होती हैं तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर किसी तरह का उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। और आपने बार दो तीन बार ये बात मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा इस बात को प्रोमिनेंट यहाँ करना चाहूँगी, सामने रखना चाहूँगी कि कभी भी अगर एक इंसान आपको थोड़ा सा भी आपके करेक्टर को या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहा है ना, उस इंसान को उठा के बाहर फेंक दो, उसके साथ ना चलो, उसे सेकेंड चांस ना दो, कभी भी उसको दोबारा अलाउ, किसी को अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट करे। आपने किसी अपने रिलेशनशिप में ये एक्सपीरियंस किए डिसरिस्पेक्ट वाला एलिमेंट? आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट। ठीक है, फेयर इनफ। एक इससे जुड़ी बात, ये मैं इसलिए भी पॉइंट रेज करना चाहता था, अभी कमल आफ्ताब ने रिसेंटली कोई अपने इंस्टाग्राम पे किया था क्वेश्चन एंड आंसर, और उस पर किसी ने उनसे ये पूछा कि अगर आप अब्यूजिव रिलेशनशिप में है जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का आपको विक्टिम बनाया जा रहा है तो क्या करना चाहिए, तो कमल ने आगे से जवाब दिया कि आप उनको सपोर्ट करें और आप उनको सपोर्ट करें। मुझे ऐसा लगता है कि उसे सवाल की समझ नहीं आई होगी, वरना ये तो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इस पे ये बात I think what she meant to say was कि यार कि अगर आप उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। नहीं हसन, क्यों समझाना है? एक इंसान जो आपकी इज्जत नहीं करता ना, अगर वो आज नहीं करता वो कभी भी नहीं करेगा। ये बात हमें सबको समझनी चाहिए कि एक इंसान जो आपको अभी गुस्से में कोई बात कर रहा है ना, वो कल को प्यार से दोबारा रिपीट करेगा। वक्ती तौर पे वो माफ़ी मांगेगा, मैं गलत हूँ और मैंने बहुत गलत किया, वापस आओ ये वो, लेकिन अपने माइंड में ये बात याद रखिएगा, जो आज कर सकता है वो दोबारा भी करेगा। ठीक है, गलत। थैंक यू फॉर दैट एडवाइस, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारी लड़कियाँ जो घर पर आप जन्नत को सुन रहे हैं तो प्लीज़ समझें, इस ये बड़ी गहरी बात है और इसका बड़ा एक वास्ट इम्पैक्ट हो सकता है आपके रिलेशनशिप के ऊपर, तो प्लीज़ बी माइंडफुल। अच्छा, ये तो आपने बातें बता दी। किस फीमेल एक्टर को आप मेकओवर देना चाहेंगी? आपका सैलॉन भी है मुझे पता है। सब प्यारी हैं, किसी को ज़रूरत नहीं है, बट आई थिंक इसका नाम लूँ मैं, मुझे क्या पता, सबने अपने आप को बहुत बेहतर रखा है। जरूरी थोड़ी है, मेकओवर का मतलब है कि वैसे आप उनकी लुक चेंज करना चाहेंगी, नॉट दैट कि उनकी करंट लुक में कोई खराबी है। अच्छा, वैसे मतलब करंट लुक से अगर हम दूसरे में जाएं, यू वांट टू गिव देम अ मेकओवर, गिव देम अ न्यू लुक, मे बी सबूर। यस, ठीक है। किस फीमेल एक्टर को आप सोशल मीडिया क्वीन कहेंगे? एक सोशल मीडिया क्वीन, एक और फीमेल एक्टर को अगर आपको किसी को कहना हो। आयजा खान ऑब्वियसली, मैं तो नाम लिए ही नहीं अभी। अच्छा, ऑप्शंस है यहां पे। आयजा का नाम है? हाँ। ओके, ठीक है। मावरा हुसैन, आयजा खान, महविश हयात या सजन? आयजा खान। ठीक है, ओके। अच्छा, मोहब्बत में पागल होकर
की जाने वाली तीन गलतियां जो कि लोगों को नहीं करनी चाहिए, मोहब्बत में की जाने वाली तीन गलतियां। मोहब्बत में पागल हो जाते हैं ना लोग, जो ऑब्सेस्ड हो गए अपने बॉयफ्रेंड या मैं, मुझे लगता है मैं वही बातें रिपीट करती रहूंगी यहाँ पे। अच्छा, कि आप अगर प्यार बहुत करते हो किसी इंसान से लेकिन वो टॉक्सिक है तो क्यों बर्दाश्त करना है? आप अक्सर ऐसा होता है, आजकल मैं देख रही हूँ, ये अपने बारे में नहीं वैसे सबकी बात कर रही हूँ जो मैं देखती हूँ, कि लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, उनका जो शौहर है वो उन पर जुल्म कर रहा है, लेकिन जब आप उनसे पूछो कि तुम साथ क्यों हो अभी, वो कहते हैं कि यार हमें तो प्यार है इससे, हम गुजारा नहीं है हमारा। लेकिन क्या आप वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपका गुजारा है? आप जो रोज़ रो रही हो, आप रोज़ मार खा रही हो, उसमें गुजारा है आपका? ये पागलपन है कि मैं प्यार करती हूँ, मैं बर्दाश्त भी करूँगी। बट जन्नत, मैं आपकी बात से 100% अग्री करता हूँ। इसकी एक फ्लिप साइड भी है सोसाइटी में, स्पेशली हमारी सोसाइटी में ख्वातीन को हम वो सपोर्ट नहीं देते कि अगर खुदा ना खासा कोई लड़की ये कहती भी है कि यार मैंने इसके साथ नहीं रहना, आई हैव हैड इनफ, आई वॉन्ट टू वॉक आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, क्योंकि सोसाइटी उसको वो सपोर्ट नहीं देती और उसको यही बार बार उसका दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर सोसाइटी के प्रेशर में आके आप ये सब कर रहे हो तो वो बिल्कुल अलग है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वाकई में किसी के ऊपर ये सब जाती हो रही है, और आपसे मैं इसलिए ये सवाल करूँ कि आप कुछ इंस्पिरेशन दें उन खवातीन को या उन लड़कियों को कि जिनको सोसाइटी तो ये कहती है कि नहीं शौहर का घर ही अच्छा, घर वाले भी कहते हैं नहीं नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करो, इसमें सबसे बड़ा हाथ आपके पेरेंट्स का होता है कि आपके माँ बाप को पता होना चाहिए कि हमने एक बच्ची अपनी बेटी को कैसे पाला है, कितने लाड से माँ बाप पालते हैं अपने बच्चों को, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। और अगर वो दूसरे घर में जाके उनका शौहर उन पर जुल्म करे तो माँ बाप को चाहिए कि वो स्टैंड लें और वो ये ना कहें कि यार वो बात करेगा, फलाना बात करेगा। आप अपनी बच्ची को बचाएं। अक्सर हसन मैंने ऐसे देखा है कि जो लड़कियाँ ऐसी होती हैं वो सुसाइड अल्लाह माफ़ करे अस्तगफिरुल्लाह कर लेती हैं प्रेशर में आके, कि ना मैं अपने शौहर के साथ रह सकती हूँ, ना मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना सोसाइटी की मुझे बातें, सुसाइड कर लेती हैं। कितना बड़ा जुल्म है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। सोसाइटी का क्या है, लोग तो बातें करते ही हैं। आप मैंने ये चीज़ देखी है, आप जो मर्ज़ी कर लो। अगर मैं कभी अपनी बात करूँ सोसाइटी को लेके, अगर मैं कभी कुरान पाक पढ़ते हुए स्टोरी लगा दूँ ना तो लोग कहेंगे दिखावा कर रही हो रमज़ान में, और अगर मैं ना लगाऊं तो लोग कहेंगे तुम पढ़ती नहीं हो। नमाज पढ़ते हुए स्टोरी लगा दूं दिखावा है, शो ऑफ है। अगर आप नहीं लगा रहे तो लोग कहेंगे पढ़ती नहीं है, तुम पढ़ती, नमाज भी पढ़ लिया करो। तो सोसाइटी ने तो आर यू मुस्लिम, दैट्स ट्रू, आर यू मुस्लिम, आप कुछ भी करो लोग नहीं सेटिस्फाई हो सकते, आप नहीं सोसाइटी को सेटिस्फाई कर सकते। और अगर आप लोगों को सेटिस्फाई करने बैठ गए ना तो आप वैसे ही मर जाओगे, आधे रह जाओगे। अपने लिए स्टैंड लें और सोसाइटी को साइड पे फेंक दें, अपने आप को देखें, अपने करीब लोगों को देखें। ये जो आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, आप टिकटॉक पे भी करती हैं या नहीं करती हैं? क्योंकि मैंने आपकी वीडियोस में नहीं देखा कि इस मैं तरह की बोल के वीडियोस नहीं बनाती, लेकिन अगर मैं बनाने लग जाऊं तो शायद मैं इसी चीज़ पे बहुत जोर दूं कि तो आप क्यों नहीं बनाती आप प्लीज बनाएं। आपने अच्छा आइडिया दिया मुझे, मैंने आइडिया दे दिया। आज के बाद जन्नत की मोटिवेशनल वीडियो जितनी भी आएंगी टिकटॉक पे उसके नीचे जन्नत क्रेडिट देंगी, क्रेडिट टू हसन चौधरी, दैट्स ट्रू, मैं दूंगी, दैट्स ट्रू, बट यू शुड डू इट। नो, आई सीरियसली मीन इट, आई थिंक बिकॉज़ योर आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बड़ा इनकरेजिंग है, बड़ा अच्छा, और वो बहुत सारी लड़कियां उससे इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकती हैं। ख्वातीनो हज़रात, ऑन दैट नोट, ऑन दैट वेरी इंपॉर्टेंट नोट, मेंटल हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने उसका जरूर ख्याल रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का भी और अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनका भी। वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं, जन्नत आप आई हैं टिकटॉक क्वीन, ऐसा कैसे हो सकता है? वो जो 23 मिलियन की मैंने रट लगाई हुई है, उन फॉलोअर्स को हम एक लाइव डेमोंस्ट्रेशन ना दें कि टिकटॉक कैसे बनता है? तो हो जाए, फिर हो जाए। हम एक ऐसा गाना या म्यूजिक प्ले करेंगे जिसका आपको हमने नहीं बताया हुआ, नहीं बताया हुआ, राइट? हाँ जी, हम बस वो बजाएंगे और आप इन दैट मोमेंट हमें बताएंगी कि भाई लाइव टिकटॉक कैसे बनता है, आज हम सीखेंगे जन्नत मिर्जा से। चले जी, म्यूजिक पहले हम चल के आते हैं। जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे यार, मिला दे दिलदार, मिला दे यार, मिला दे दिलदार। वेलकम बैक जन्नत, आपने अभी तक एक बार भी हमारे व्यूवर्स को ईद मुबारक नहीं कहा। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक।
ईद के ऊपर आप खाना वाना बनाती हैं? नहीं, खाती हूँ. गुड. और क्योंकि आप माशाल्लाह खाती हैं खाना, तो आप बड़ी एक, मैंने देखा है आप में एक ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है, और आप एक स्पोर्ट्स वुमन है, और स्विमिंग का आपको बड़ा शौक है. मैं स्विमिंग जब मैं थी 5 साल की, तब से आप स्विमिंग कर रही हैं, और मैंने बहुत मेडल्स जीते हैं. बहुत मेडल. और आर्मी की तरफ से मुझे ऑफर आई थी, वापडा की तरफ से आई थी कि आप प्रोफेशनली कंटिन्यू करें, लेकिन फिर कुछ इश्यूज ऐसे आए कि क्या, क्यों नहीं आपने प्रोफेशनली कंटिन्यू किया स्विमिंग को? बहुत सारे उसमें चीज़ें हैं. आपको अब ये बात मैं कह देती हूँ, कॉस्ट्यूम अक्सर ऐसा पहनना पड़ता है जो ज़रूरी होता है, तो वहाँ से बस मैंने थोड़ा सा. ठीक है, तो ये इस बात करने का मकसद ये था कि जितनी इंटेंस स्पोर्ट स्विमिंग है, उतनी ही इंटेंस स्पोर्ट अभी हम खेलने लगे हैं यहाँ पे. ये बड़े एक ज़बरदस्त गेम है. इसमें होगा ये कि हम दोनों को मिलेंगे 60 सेकेंड्स. ओके, 60 सेकेंड्स में एक बार टैप करके हमें बॉल डालना है कप के अंदर. ओके, और दोनों को 60 सेकेंड्स मिलेंगे. जिसने ज़्यादा बॉल्स डाले होंगे कप में वो जीत जाएगा. ठीक है, जो हारेगा उसको एक डेयर करनी पड़ेगी. अच्छा जी, वो क्या है? वो तो पता चलेगा जब हम हारेंगे. नहीं, मैं या हम जीतेंगे. मैं जीतूंगी. ठीक है, आप जीतेंगे. अब डू यू वांट टू गो फर्स्ट या शुड आई गो फर्स्ट? यू शुड डू इट. आई शुड गो फर्स्ट. ओके, मैं देखती हूँ, सीखती हूँ आपसे. चलें. ओके, चलो भाई, रेडी स्टार्ट. ये चला गया. वन काम. ये एक ही काउंट होगा. क्यों? नहीं नहीं नहीं, कम ऑन कम ऑन. बस काउंट डाउन. कम ऑन. बहुत है. कम ऑन. टाइम हो गया, टाइम हो गया. बस 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 बस. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10. नहीं हसन, डबल है. तो ये ज्ञात हो ना. नहीं नहीं, वो इसमें जाना चाहिए. क्यों? ये चीटिंग है. ओके, चले मान लिया. 9 है. आपने 10 करने हैं जीतने के लिए. मैं सारे कोशिश करूंगी. ओके ओके, म्यूजिक. ओके, 1 2 3 4 5 11. जीत गई आप. मैं वैसे जीत गई हूँ. अच्छा बताएं, अब आप क्या कर रहे हैं? आप बताएं क्या डेयर करूं मैं? एक सरप्राइज है छोटा सा आपके लिए. क्या? वो मैं बताऊंगी नहीं, वो अभी आ जाएगा. प्लीज लेकर आए. क्या लेकर आए? ये क्या है? लीमू है. ये आपने खानी है. ये आपकी डाइट के लिए बहुत अच्छे हैं, पता है? डाइट स्किन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की पास खड़ी हुई हो तो मैं लहसुन खा लूं अब. ये बहुत अच्छे है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है. ये तो अच्छी बात नहीं है, मेरी इमेज के लिए अच्छा नहीं है. बहुत अच्छा लगेगा. अब आप खा रहे हैं, ये चीटिंग होगी हसन. यू हैव टू यहाँ ज़ूम इन कीजिएगा जरा. ये देखो जरा, एक सोचने की बात है ख्वातीनों हज़रात. जन्नत मिर्ज़ा अगर मुझे कुछ खिला रही हैं तो वो है लहसुन. हसन के हसन लहसुन खा रहे हैं. हसन के लग गए. अच्छा मैं कहूंगी चिबा के खाएं थोड़ा इसको. हाँ, निगले ना, चिबा के खाएं थोड़ा. निगलूं ना? ना. क्यों निगलूं? क्यों ना? ऐसे अच्छा नहीं होगा ना, गले में फंस सकता है. ओए होए. शुक्र है. ये सारे खाने आपने? एक चले कोई. फिनिश इट. फिनिश फिनिश फिनिश. मैंने आपके साथ नहीं हसन, ये चीटिंग है. मैंने आपसे पिक्चर लेनी है, आपका अपना नुकसान. कोई बात नहीं, आप खाएंगे आपकी स्किन ग्लो करेगी. ओके, ये फाइनली. अच्छा जन्नत, अब ये वाली जो गेम है ना, ये बड़ी सिंपल गेम है. जिस कलर की ये हमारे पास बंटीज हैं, ये हमने अलग करके
ग्लास में डालनी है. ठीक है, सो देयर फोर डिफरेंट कलर्स, जो पहले कर गया वो जीत गया. ओके 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 स्टार्ट. चलें कोई बात नहीं. क्या खा रहे हैं आप? कुछ भी नहीं. अदरक तो ये प्रॉब्लम है. लहसुन अदरक का पेस्ट बन जाए आपके. हाँ नहीं, अभी मैं कुछ खा नहीं रहा. अभी की डेर ये है कि आप बताएं क्या डेर है. कोई सरप्राइज होगा और भी आपके लिए यहाँ पे है जी. मैंने आपके लिए ये डेर सोची थी कि अगर आप हारी तो आप अपना आखिरी स्क्रीन शॉट दिखाएंगी हमें. सेम गोज फॉर यू. सेम गोज फॉर मी. लास्ट स्क्रीन शॉट नहीं, लास्ट गैलरी में जो पिक्चर आप वो दिखाएंगे. लास्ट गैलरी में जो पिक्चर है वो दिखाऊंगा. स्मार्ट जन्नत, यू आर अ स्मार्ट वुमन. थैंक यू. लेट मी फर्स्ट सी. नहीं नहीं, डिलीट नहीं करनी. डिलीट नहीं करूंगा मैं. हाँ हाँ, देख लें, देख लें गैलरी में. अच्छा देख लें लास्ट पिक्चर, ये देख लें आप. इट्स अ ठीक है, ऑलराइट. इट्स अ लेटर. ओके जन्नत, आप यहाँ पे आई हैं, आप बहुत जल्द, ऐसा आपने खुद बताया कि आप टीवी में भी काम करना चाहेंगी, आप एक्टिंग कर भी रही हैं, आपने किया भी है. मुझे लगता है कि एक टाइम पे आप होस्टिंग भी करना चाहेंगी जरूर. आई होप सो एक दिन जब मुझे बोलना बहुत आ जाएगा. अरे अच्छा खासा तो पिक करना लाइन को, पता है वो होस्ट की यही एक खूबी होती है कि आप बोलना भी ना चाहो ना तो होस्ट बुलवा लेता है. तो मेरी खूबियों के बारे में बताया ना आज आपने, बताया ये बहुत बड़ी खूबी आपकी, आपने मुझे बहुत बुलवाया आज. मैं इतना बोलती नहीं हूँ, मैं इंट्रोवर्ट सी पर्सन हूँ. मैं कोशिश करती हूँ कि वन वर्ड आंसर दूँ, लेकिन आपने बहुत बुलवाया. थैंक यू, आपने मेरी तारीफ की. अब आप मुझे मौका दें मैं आपकी होस्टिंग की तारीफ करूँ. तो ये जो कैमरा ना, इसको देख के आपने ब्रेक लेनी है. ठीक है, ओके. हाँ जी, तो जैसे आप सबको पता है हसन दो गेम्स हार चुके हैं. इसके बाद हम और भी बहुत सारी गेम्स खेलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. अब हम खेलेंगे हसन के साथ कुछ और गेम्स और दोबारा सोने ऐसी उल्टी फुल्टी चीजें भी खिलाएंगे. यार वैसे आपके अंदर है, मैंने देखा, कॉन्फिडेंस होस्ट वाला. थैंक यू. आई थिंक यू हैव दैट टैलेंट. ये आपको लगता है कि पहले से था या कर करके टिकटॉक्स बना बना के कैमरा? आई गेस टाइम के साथ मैं ग्रोम कर रही हूँ, वरना पहले तो मैं किसी के सामने बैठ भी नहीं सकती थी ठीक. अच्छा. से मुझे इतनी में शाय थी. गुड यार, क्लैपिंग फॉर जन्नत फ्रॉम she is saying that she wasn't able to sit in front of people to her doing interviews and with aplomb, well done. ab ye jo hamari game hai na, ye bade maze ki, it says what's on my head. aap wale jo cue cards hai main aapke paas rakh deta hu, aapne dekhne nahi hai. maine aur aapne acting karke ek dusre ko guess karana hai ki ye kya hai. theek hai, we can't say anything and kyunki aap acting ka shauk hai aapko, aap karne bhi ja rahi hain aur aapne ki bhi hai, to ye aapka acting ka ek audition bhi hoga ek tarah se. theek hai, so pehle aapki bari, aap mujhe guess karaye. ओके मैं बोल सकती हूँ थोड़ा सा? नहीं, ओके जस्ट एक्सप्रेशंस. कत्ल, मर्डर, कुर्बानी, बकरा. यस, वेरी गुड. इट्स माय टर्न नाउ. यस, देखना नहीं है. मॉन्स्टर, जिन, भूत. Good. Oh, wow. Good, good, good. Okay. Gubara phadna. Balloon. Yes. So, gubara. Khana. लंबे बाल, खाना. ओके कुर्बानी, कुर्बान. नो, क्या ये क्या? गाय? क्या कोई जानवर है? ओके कुर्बानी का जानवर है. गोश्त,
इंग्लिश में करो इसको. डिश है एक. डिश है निहारी. ईद पे खाई जाती है कलेजी. निहारी कलेजी कोरमा. हार मानते हैं. कुन्ना. ओके ओके. कुन्ना मैं मटन. आप ही ने तो कहा यूं बकरा बनाया. कुन्ना मेरे माइंड में नहीं आ रहा था. मटन आप बकरा बनाया मैंने यूं. फिर मैंने बकरे की कुर्बानी. फिर मैंने कहा आपने भी तो यूं बनाया बकरा. ओके ओके. तो मैं आपको फॉलो किया. मैंने कहा तो आपको पता होगा कि ये बकरा, ये बकरे को ज़िबह किया, ये बकरे को पकाया, ये बकरे को खाया, तो मटन कुन्ना. बट कोई बात नहीं. ओके. गोलगप्पे. यस. अच्छा मे बी यू शुड बिकम एन एक्टर. यू वेरी गुड एट इट. ओहो. बेल्ट. जेंटलमैन. बांध. पुलिस ऑफिसर. ठीक है. आई नो. धोती टाइप जो धोती. ये क्रेडिट जाएगा इसका इमरान अशरफ को जिन्होंने मुझे धोती बांधना सिखाया था हमारे शो के ऊपर और बड़ी अच्छी उन्होंने की थी. अच्छा मैंने गेस करना है. आप करेंगे ना. आप बताएंगे. हाँ ऐसे ही है ना. नहीं नहीं. हाँ ओके. मिर्चें. मिर्ची. स्पाइसी फूड. मिर्चों वाला खाना. नमक. नमक. मिर्चें. हरी मिर्च. काली मिर्च. खाना बनाना. खाना बहुत मज़े का बना है. आपने नमक कम डाल दिया. हस्बैंड ने कहा और डालो. हाँ नमक डाला. फिर लाल. ओह फैंटास्टिक. गुड फूड. टेस्टी. इमली. चटनी. खट्टा है कुछ. खट्टा है. बहुत खट्टी चीज़ है कोई. हाँ खट्टी चीज़ें यूं डालते हैं उसको स्प्रिंकल करते हैं खाने के ऊपर. केचप. नहीं नहीं आप नहीं. चाट मसाला. हाँ मुश्किल था थोड़ा गैस कराना. ठीक है. इट्स माय टर्न. ओ पैसा. ओके. पैसा. लड़की. पैसा. ओके पैसा. टू वर्ड्स हैं. पैसा पहला है. दुल्हन. छुपाई वो जो मुंह दिखाई. दूल्हे का. हाँ दूल्हे क्या. सेहरा. पैसा सेहरा. पैसों वाला सेहरा. पैसों का सेहरा. ये मैं कितना अच्छे सेहरा. आपको बहुत अच्छा किया. मैंने कहा लड़की भी बन रहे हैं. दूल्हा. दूल्हा बनना था मैं. दूल्हा शर्मा. शर्मिला दूल्हा. अच्छा शर्मिला दूल्हा. पुराने जमाने मेरे टाइप का दूल्हा ये शर्मिला. ओके जी लास्ट वन फ्रॉम माय साइड. ओके. फिर कुछ डाल रही हैं यार आप. पानी. वाटर. ग्लास. दूध. गाय का दूध. अरे गाय का दूध निकाला आपने. लस्सी बनाई. क्या किया फिर आपने. दूध की क्या कहते हैं उसको. झाग है. मलाई. मलाई टिक्का. मलाई टिक्का. मलाई बोटी. यस. यार जन्नत यार तालियां यार. यार ये वाकई में यार जन्नत. वेल डन यार. प्राउड ऑफ यू. गुड जॉब. गुड जॉब. चले. अच्छा अब जो है हमारा बिल्कुल लास्ट सेगमेंट है. एंड अगेन इट्स अ रियली फन सेगमेंट. इसमें होगा ये कि कुछ लाइंस है मैं पढ़ूंगा और आपको ये हेडफोन्स लगाने. इट्स कॉल्ड द विस्पर चैलेंज. म्यूजिक चल रहा होगा और आपको गेस करना है कि मैं क्या कह रहा हूँ. ओके ठीक है. बजा दिया म्यूजिक. कैन यू हियर मी. चल गया म्यूजिक. चल गया. मछली का कांटा. मछली. मछली. बच्ची. मछली. बीस. मछली. मछली. पर्ची. मछली. मछली. पच्चीस. मछली. मच. मच.
मछली, मछली का कांटा, मछली का कांटा, 25 25 मछली 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 नहीं समझ आ रहे, मछली का कांटा, पर्ची, मछली का कांटा, अम्मी, आराम से बोले, आराम से, मछली, बच्ची, मछली, म म म मछली, मछली मछली, मैं मछली बना के, ये देखें ऐसे फास्ट फास्ट मछली जा रही है, देखें मछली का कांटा, मैंने कांटा भी बनाया आपको कि कांटा बन गया, कांटा था, हाँ मछली का कांटा, मछली का कांटा, अम्मी का चांटा, इतना लंबा था, बहुत मुश्किल था, आप तो मछली नहीं गैस किया आपने, चलें आगे चलें, आम, आम, आम का अचार, आम का अचार, आम का अचार, टिकटॉक का बुखार, आम का अचार, टिकटॉक, बहुत, टिकटॉक, टिकटॉक, एकदम, टिकटॉक, टिकटॉक, खट्टा होता है, टिकटॉक, आम का अचार, आम का अचार खट्टा होता है, आम का अचार, टिकटॉक का बुखार, आम का अचार बुखार, टिकटॉक का, टिकटॉक, 100 बुखार, टिकटॉक, 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 आम का अचार, टिकटॉक का बुखार, 104 बुखार, टिकटॉक का बुखार, मैं कह भी रहा हूँ टिकटॉक, टिकटॉक, ये सारे मैंने करने हैं, ये है? सारे मैं करूँगी, हाँ, ओके, आसमान से गिरा खजूर में अटका, सूरज, आसमान, आसमान, आसमान से गिरा खजूर में अटका, आहिस्ता बोले, आसमान, आसमान से गिरा खजूर में अटका, बकरे, बकरे की चांप, माँ का, माँ, बकरे, बकरे, बकरे की चांप, पर्दा, बकरे, पर, बकरे, 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 पापा, बकरे की चांप, बकरे, 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 पता नहीं, मुझे नहीं पता, ये टाइम सेकंड, आपने खुद मुझे बकरा बन के दिखाया अभी, ये बकरा, ये बकरा, बकरा, बकरा था, ये तो बकरे की चांप, मीट नॉन स्टॉप, ये तो होना ही नहीं था, ये भी नहीं होना था, बहुत मुश्किल था, चलें आगे चलते हैं, धोबी, धोबी, चो, धोबी, चॉपस्टिक, धोबी का दुम्बा, चो, धोबी का दुम्बा, धोबी, धोबी, चुप, धोबी, धोबी, कुल्हाड़ी, धोबी, 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 चाकू, धोबी, सी एच है ना शुरू में, चे है, नहीं है, चे नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, चे नहीं है, धोबी का दुम्बा, ना घर का ना घाट का, दुम्बा, दुम्बा, धोबी, आप धोबी, मैंने धोबी भी बन के दिखाया, अच्छा अच्छा, मुझे लगा कुछ काट रहे हैं आप, नहीं धोबी, अब करूं आपसे एक भी, एक गैस हुआ है अभी तक, दो दो, हाँ, ये गाने इसमें किसने लगाए हुए, कौन सा लगा हुआ है, घर से कचरा निकाल, ये बहुत शरारती है जी, मोहब्बत का अफसाना, आप आहिस्ता बोले, मोहब्बत, मोमबत्ती, मोम, मोन, मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत का, मोहब्बत का अफसाना, अफसाना, सही है, वाव, मोहब्बत का अफसाना, मोहब्बत का अफसाना, ईद कार्ड भिजवाना, आपको दिया, मोहब्बत का अफसाना, मोहब्बत का अफसाना, ईद कार्ड भिजवाना, लेटर दिया, खत, ईद लिखा, ईद, मोहब्बत का अफसाना आपको लिखा, तहरीर, ईद, 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 ईद मुबारक, ईद, 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 मोहब्बत का अफसाना, ईद कार्ड भिजवाना, बहुत मुश्किल है ये तो, बहुत मुश्किल, चलें आ, ए, एक लास्ट, लास्ट वन प्लीज, डिंग डोंग, कच्चा बादाम,
हाँ जी डिंग डोंग ईद को डिंग डोंग एक को डिंग डोंग उसको डिंग डोंग किसको डिंग डोंग डिंग डोंग ईद डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग क्या डिंग डोंग दो डिंग डोंग डिंग डोंग डोंट टेक मी रॉन्ग रहने दे हसन मैं हार मानती हूँ डिंग डोंग डोंट टेक मी रॉन्ग बहुत मुश्किल है इधर टू डिजिट चले कोई बात नहीं पर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच जन्नत आपने हमें ज्वाइन किया इतना मजा आया आपसे बात करके मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप घर पे बैठे हुए यंग लड़के लड़कियां अगर आपने जन्नत का ये गुफ्तगू मेरे साथ सुनी तो इसमें बहुत सारी इंस्पिरेशन थी आई होप आपने इंस्पिरेशन ड्रॉ की हो जाने से पहले जन्नत मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ यहाँ आए और यहाँ पे आके आप कोई मैसेज अगर देना चाहें आज ईद का भी दिन है तो द कैमराज आर ऑल योर्स हाय एवरीवन ईद मुबारक मेरी तरफ से और सबकी तरफ से आई होप आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हम सब कुर्बानी जब करेंगे तो हम तो गोश्त खाते रहते हैं हम वैसे भी आम तौर पे भी बाहर रेस्टोरेंट्स में भी खाते हैं जो लोग गोश्त नहीं खा सकते उन तक ज़रूर गोश्त बांटें अपने फ्रिजेस को ना भरें जो गरीब लोग हैं उनमें गोश्त बांटें हम लोग तो खा हमारा तो चलता रहता है और हाथ होला रखें थोड़ा सा यार क्या हाँ हो गया रखें बाद में स्किन भी खराब होगी ये देखे असल वजह ये थैंक यू सो मच जन्नत आपने मुझे ज्वाइन किया आई ऑनेस्टली इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू मुझे बहुत अच्छा लगा आपका थॉट प्रोसेस जान के और मैंने जो आपके अंदर टैलेंट देखा है मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम आपको हमारी टीवी स्क्रीन के ऊपर भी देखेंगे फिल्मों में तो आपने काम किया ही है तो जब आप टीवी पे आएंगी तो इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह काम को हम अच्छी तरह से रिव्यू भी करेंगे उसके बारे में बात अच्छा अच्छा दिएगा जाते जाते अब कैसे ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एक और टिकटॉक ना बनाएं of course, है ना? बनाएं please. बनाते ना एक और टिकटॉक okay. बनाते लेकिन इस बार हम एक ऐसा गाना बजाएंगे जो शायद आपने पहले ना सुना हो हाउ्स दैट थोड़ा सा okay. और आपका चैलेंजिंग होगा चैलेंजिंग होगा थोड़ा सा चलो भाई म्यूजिक मुझे टिकटॉक वॉक सिखाएं मुझे टिकटॉक वॉक होती है वो कैसे बस आप अपने बाल क्लिप करते रहते हैं तेनू वेखा ते मिल दिया सावा तू कोल होवे मैं मंगा दुआ जे तू हो जावे अखियां तोले नहीं आउंदियां ने कमलियां सावा फॉक करते हैं यू जस्ट हैव टू फ्लिप योर हेयर बैक और मैं यूं कर लेता हूं